हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की यह क्लास जो है मैराथन क्लास रहने वाली है। आज की इस क्लास में जो है केमिस्ट्री के HP 10 नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री के लगभग 100 क्वेश्चन को, 100 MCQs को जो है हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी जानकारी बीच में नहीं दूंगा। अब जो है सांस इसके बाद 100 MCQs को डिस्कस करने के बाद ही ली जाएगी। तो इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया, हमारे पीसीएम के नोट्स को नहीं पढ़ा, आज ही टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन करें। पीसीएम के बिल्कुल फ्री नोट्स अवेलेबल है। और हाँ, अगर लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है, तो उसके लिए हमें हमारे व्हाट्सएप आईडी के ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपको लास्ट 5 ईयर के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। अब बीच में जो है कोई ब्रेक नहीं लिया जाएगा, ना तो आप ब्रेक लोगे ना तो मैं ब्रेक लूंगा। अब जो है नेक्स्ट जो बात होगी हमारी 100 MCQ उसके बाद ही होगी। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला MCQ है क्या है। देखिएगा, फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। सबसे लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर कौन से है? सॉलिड है, गैस है, प्लाज्मा है और BEC है। तो देखिए ऑप्शन ना तो ए है ना तो बी है। आपको पता है प्लाज्मा हो सकता है या तो BEC हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय। आयोडीन को सैंड से किस तरीके से जो है अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी है क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है हमारा इवेपोरेशन। तो देखिए आयोडीन जो एलिमेंट है हमारे पास, ये भी बिना लिक्विड की स्टेट में आए हुए डायरेक्ट जो है इवेपोरेट हो जाता है, यानी सब्लिमेशन के अंडरगो चला जाता है, जैसे कि नेपथलीन हमारे पास है। सो ऑप्शन नंबर ए सब्लिमेशन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर डिसलेशन ऑफ द सी वाटर। ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है इवेपोरेशन, ऑप्शन डी है कंडेंसेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिलेशन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड टू गैस। कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लिक्विड से गैस में बदलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं होनी चाहिए, इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का? आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर बी 212 डिग्री फारेनहाइट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलपीजी, एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोल गैस इज अ। लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज अबव है। तो लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है वो है मिक्सचर हमारे पास, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी में किस किस का मिक्सचर होता है? आपको पता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एमसीक्यू नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए नीचे वाली स्टेटमेंट से पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? ऑप्शन ए है ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, यस ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। सैंड एंड वाटर इज अ सॉल्यूशन, जी नहीं ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्ट एंड सैंड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्या ये साल्ट और सैंड क्या हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है? और ऑप्शन नंबर जो 4 है एयर इज अ मिक्सचर। तो देखिए ना तो साल्ट और सैंड हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, ये हिटेरोजीनियस मिक्सचर है। ऑप्शन 4 है एयर इज अ मिक्सचर, जी हाँ एयर इज अ मिक्सचर। तो पहला और फोर्थ जो है हमारा सही आंसर है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, GOH2S, जी नहीं फोम, जी नहीं कलर्ड जेमस्टोन, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। जो कलर्ड जेमस्टोन है वो मिक्सचर है किसका? सॉलिड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज अ सस्पेंशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका सस्पेंशन? आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर सी देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी अवर राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, अबस्टांस विच रेडली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन कॉन्टेक्ट विद वाटर इज कॉल्ड। ऐसा सबस्टांस जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है विद वाटर के साथ, उसे क्या कहते हैं? देखिए इसे कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड, यानी जो वाटर लविंग होता है, जो वाटर से डरता है, जो वाटर जैसे कि हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर के साथ
जो है कॉन्टेक्ट में नहीं आता, वो हुआ हाइड्रोफोबिक। फोबिक से याद रखना है फोबिया, यानी पानी से दूर भागेगा। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर जो होता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन इन कॉन्टेक्ट विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। कोलाइड ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्लाउड इज अ कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ। क्लाउड जो है कोलाइडल डिस्पर्सन है किसका? एयर इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, जी नहीं। फॉग इन डिस्पर्सन मीडियम वाटर, जी नहीं। ऑप्शन सी मिस्ट इन डिस्पर्सन मीडियम वाटर, जी नहीं। ऑप्शन डी वाटर ड्रॉप इन डिस्पर्सन मीडियम वाटर, जी हाँ। वाटर ड्रॉप्स होते हैं डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर में, तो वो क्या कहलाता है हमारा? एयर, यानी वो क्या कहलाता है? क्लाउड हमारा कहलाता है एयर प्लस वाटर ड्रॉप्स। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कौन सा नहीं है? प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन्स हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है और नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसका आंसर तो बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 12। हाउ मेनी प्रोटोन आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। देखिए प्रोटोन किसके बराबर होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर है हमारे पास, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है? ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, ऑलवेज इक्वल इट्स एटॉमिक नंबर, समटाइम मोर एंड समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, जी हाँ। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है, दैट इज समटाइम ज्यादा होता है और कई बार बराबर हो जाता है एटॉमिक नंबर के हमारा मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन है बोरोन, ऑप्शन बी हैवी वाटर। तो जब आपने हैवी वाटर पढ़ लिया तो इसके आगे वाले क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन ए है बोरोन, ऑप्शन बी है हमारे पास हैवी वाटर, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन विल बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनियम इवेंचुअली डीके इनटू अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ। यूरेनियम जो है डीके होता है स्टेबल आइसोटोप ऑफ रेडियम, थोरियम, लेड एंड पोलोनियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन। ग्रेफाइट किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए है फ्यूल, ऑप्शन बी लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी मॉडरेटर एंड ऑप्शन डी इंसुलेटर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा, मॉडरेटर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा नहीं बनाता, नॉट पूछा है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। व्हाट आर आइसोबार, देखिए आइसोटोन, आइसोबार आपको बार बार बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर, देखिए एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर वो तो आइसोटोप्स होते हैं, एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सा जो है केमिकल चेंज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कुकिंग ऑफ एन एग, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ एन आइस, ऑप्शन सी बेकिंग अ केक एंड ऑप्शन डी रोटिंग बनानास। तो देखिए नॉट अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग एन आइस क्यूब जो है ये केमिकल चेंज नहीं है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनायन आर फॉर्म्ड बाय, एनायन किसके द्वारा बनते हैं? ऑप्शन ए लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है हमारे पास गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए जब वो गेन करता है नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, तो गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? एनायन बनाएगा, और केटाइन केटाइन बनाएगा लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। लूजिंग इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अभी हमने पढ़ा लूजिंग अगर ऑक्सीडेशन कहलाता है तो गेनिंग क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन विच पोटैटो चिप्स आर फ्राइड, द बैग ऑफ द चिप्स आर फ्लश्ड विद द गैस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेटल आर गुड कंडक्टर बिकॉज, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर है, क्यों, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, जी हाँ वे फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं इसलिए तो वे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, आगे वाले ऑप्शन पढ़ने की नीड भी हमें होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड नॉन मेटल पूछा है। देखिए जो मर्करी है वो लिक्विड मेटल है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, याद रखना क्वेश्चन नंबर 28 को, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हेडनामाइट, कॉपर, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मोनजाइट, थोरियम और पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम है। हमसे पूछा है कौन सा जो पेयर है करेक्टली मैच नहीं है। देखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम होता है, मोनजाइट थोरियम है, ठीक है, और पिच ब्लेंड यूरेनियम होता है, बचा क्या, हेमाटाइट, कॉपर, ये हमारा इनकोरेक्ट आंसर है बिकॉज यहां पर हेमाटाइट के साथ क्या आना चाहिए था, आयरन आना चाहिए था। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अ डे येलो लैंप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज एज स्ट्रीट लाइट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज यूज्ड इन दीज लैंप, कौन से गैस जो है इनमें यूज की जाते, सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर जो 30 है हमारे पास, हमसे पूछा गया है जो लैंप है हमारे पास जिसमें येलो लाइट होते हैं इन्हें आप सोडियम लैंप भी कहते हो, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मन सिल्वर एंड अलॉय डज नॉट कंटेन अ मेटल, जर्मन सिल्वर एक अलॉय है जो मेटल कंटेन नहीं करता, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिल्वर। देखिए ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी वन क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको देखिए कहा भी जर्मन सिल्वर है तो आपने समझ आना जर्मन सिल्वर मतलब सिल्वर ही उसमें नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इज एन अलॉय डज नॉट कंटेन अ मेटल, सिल्वर मेटल कंटेन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड केमिकल रिएक्शन विद CO2। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, देखिए ऑक्सीडेशन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए और जो है केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन होती है, यानी पहला और तीसरा जो है सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकोरेक्ट, कौन सा पेयर इनकोरेक्ट। देखिए हेमाटाइट आयरन बिल्कुल ठीक है, पिच ब्लेंड कॉपर जी नहीं, ये हमारा गलत है क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा पिच ब्लेंड यूरेनियम, मोनजाइट थोरियम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी ओनली टू विल बी अवर राइट आंसर, यानी इनकोरेक्ट पेयर है पिच ब्लेंड कॉपर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सोन बाय इट्स सिंबल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको पता है टंगस्टन के द्वारा बनाया जाता है, किस साइन से डिनोट होता है, W से जो है डिनोट, ये आयरन है, ये ए गोल्ड है, ये सिल्वर है हमारे पास, तो बचा W। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज, तो कौन सा मेटल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कैडमियम, निकल, क्रोमियम एंड ऑप्शन नंबर डी मर्करी। देखिए विच इज मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है कैडमियम विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, ऑप्शन नंबर सी केरोसिन। ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन मिक्स्ड विद ए मेटल फॉर्म अमलगम, ये भी आपको पता है, ऑप्शन पढ़ने की भी नीट नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी मर्करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे 38, व्हाट इज गैल्वनाइज्ड आयरन, गैल्वनाइज्ड आयरन कैसा होता है, आपको पता है जब आयरन को जो है रस्ट से बनाया जाता है तो गैल्वनाइजेशन की जाती है, कोटिंग ऑफ जिंक की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, जिंक कोटेड आयरन को गैल्वनाइज्ड आयरन जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कोई एक और देखिए, बॉक्साइट, हेमाटाइट, फ्लोरोस्फर, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 39 विल बी राइट आंसर। हैवी मेटल
गॉट देयर नेम बिकॉज कंपेयर टू द अदर एटम दे हैव. उन्हें हैवी मेटल को हैवी मेटल क्यों कहा जाता है जब उन्हें कंपेयर किया जाए किसी के साथ. हायर एटॉमिक मासिस, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक रेडियस एंड हायर डेंसिटी. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हायर डेंसिटी होती है इनकी, इसलिए इसे हैवी मेटल कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा. विच वन अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस. देखिए हीलियम इनर्ट है, नियोन क्या है, रेडोन और हाइड्रोजन. तो ऑप्शन नंबर डी जो है हाइड्रोजन, देखिए फर्स्ट पोजिशन पे आती है और इसे इनर्ट गैस नहीं माना जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42. विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस. कौन सा जो है एग्जाम्पल है नोबल गैस का. देखिए नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन नहीं है, हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और नोबल गैसेस की सबसे पहली गैस हीलियम को माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 अभी हमने पढ़ा हीलियम. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस. कौन सी जो गैस है जो ना तो कलरलेस हो ना ही ऑर्डरलेस है. इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, जहां पर क्लोरीन ना तो कलरलेस गैस है और ना ही ऑर्डरलेस है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. When a helium atom लूज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम. जब हीलियम एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बनता है, एन अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटोन, अ पॉजिटिव हीलियम आयन और ए नेगेटिव हीलियम. देखिए जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अ पॉजिटिव हीलियम आयन. और यहीं पर अगर होता कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन आता और उसे नेगेटिव हीलियम आयन कहते हैं. ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. विच ऑफ द फ्लोइंग एटम हैज अ लार्जेस्ट डायमीटर. किसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन का जो है डायमीटर सबसे ज्यादा है. बिकॉज जब हम टॉप टू डाउन की तरफ चलते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो, माफ कीजिएगा, जो एटॉमिक साइज है, हाँ जो साइज है उसका, वो बड़ा होता जाता है. तो सबसे नीचे क्या आता है, फ्लोरीन, माफ कीजिएगा आयोडीन, फ्लोरीन आएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमिन और उसके नीचे हमारे पास आयोडीन मिलता है. और टॉप टू डाउन जब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं साइज हमारा इंक्रीज करता है. Which among the flowing is a popularly called laughing gas? Laughing gas किसे कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को और नाइट्रोजन परऑक्साइड को. इसका जो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड विल बी अवर राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47. सिल्वर हेलाइड आर यूज इन फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज दे आर सिल्वर है. देखिए ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस एलिमेंट का जो है यूज किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट के साथ. तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड एज फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, सोल्यूबल इन हाइपो सोल्यूशन, रिड्यूस्ड बाय लाइट एंड टोटली कलरलेस. जो राइट आंसर है दैट इज रिड्यूस्ड बाय लाइट विल बी अवर राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस्ड बाय लाइट, इसलिए सिल्वर हैलाइड का यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 48. द गैस दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी इज. देखिए ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन. तो बिल्कुल सही आंसर है आपका. देखिए द गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी. तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस विल बी अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नोबल गैस यूज इन रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी के लिए किस गैस का यूज होता है, नियोन, आर्गन, रेडियोन और जिनोन. तो ऑप्शन नंबर सी रेडियोन विल बी अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ. जो क्वार्ट्ज है वो किससे बना होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. जो क्वार्ट्ज बना होता है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन डाइऑक्साइड. आशा करता हूं जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपको करवाए जा रहे हैं ये जो है आपके नॉलेज में जो इजाफा कर रहे हैं और आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के ऊपर जो है लास्ट 15 से 20 दिनों से रोज 9:30 पर इसी तरीके से क्लासेस ली जा रही है एमसीक्यू की फॉर्म में. और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारी पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है पीसीएम नोट्स की, आज के आज ही हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करें, ठीक है, और आज ही उन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ें. इसके साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो उन्हें भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी एग्जाम में जरूर सॉल्व करके जाइएगा.
ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल है, तो सबसे पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, फिर हम आगे वाले 50 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो आज वसूल उसका बिल, अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आज इसका बिल। चलिए बिना वक्त गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कर्ड जो है खट्टा होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से। ऑप्शन नंबर है टार्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दही में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अभी हमने पढ़ा जो कर्ड है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से आता है, कर्ड आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज 7, लेस देन 7, मोर देन 7 और 0। तो इसका जो राइट आंसर है लेस देन 7, 7 से कम होना चाहिए एसिडिक सॉल्यूशन का, जो 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, CaOH ट्वाइस, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज हमारे पास है KOH विल बी राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन इज, देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी है जो एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, ऑप्शन नंबर सी रेड कलर जो है हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साल्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज, ऑप्शन ए एसिडिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिसोसिएशन एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास नन ऑफ दिस। देखिए क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, विच इज रिलीज व्हेन एन आंट बाइट, देखिए जब आंट काटती है तो कौन सा एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड। इसके साथ याद रखना जो नेटल लीफ होते हैं उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, इसे मैथनोइक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स एसिड प्लस बेस गिव्स, देखिए यहां पर साल्ट होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का जो है पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक हाईली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक हाईली बेसिक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्लाइटली बेसिक विल बी अवर राइट आंसर। 58 अभी तक हमने पढ़ा, 59 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड, जो किडनी स्टोन बनती है आजकल आपने देखा है कि अमूमन हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति को जो है किडनी स्टोन है, तो वे कौन सा कंपाउंड जो है हमारे पास है, कैल्शियम ऑक्सैलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सैलेट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन डी स्किनिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास टार्टरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट जनरली नोन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, NaHCO3, लाइमस्टोन जी नहीं, ऑप्शन बी साल्ट जी नहीं, ऑप्शन डी चौक जी नहीं, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज, एलोट्रोप ऑफ हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन किसे कहा जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, लैम ब्लैक, को तो आपको सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए डायमंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज, लेड पेंसिल में कौन सा मटेरियल यूज होता है, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी माइका। देखिए लेड पेंसिल में लेड का यूज बिल्कुल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा इस चीज को, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है, लेड का यूज नहीं होता। 64, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड वी गेट, जब फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाता है हमें क्या मिलता है, एस्टिलीन, मिथाइल अल्कोहल, मीथेन एंड इथाइल फॉर्मेट। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल विल बी राइट आंसर, जब फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाएगा मिथाइल अल्कोहल हमें मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65, विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसिस ऑफ ऑर्गेनिकल प्लांट मटेरियल। विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसिस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। ऑप्शन ए है हमारे पास एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है लिगानाइट, ऑप्शन सी है पीट और ऑप्शन डी है हमारे पास बिटुमिनियस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। पेट्रोलियम किस किस का मिक्सचर है? कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी कार्बोनेट्स, ऑप्शन सी कार्बो हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी है कार्बेआइड्स। इसका जो राइट आंसर जो पेट्रोलियम है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा टीईएल, देखिए पहले से आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकते हैं, व्हाट इज टीईएल? टेट्रा इथाइल लेड। ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ये क्या है? अ कैटलिस्ट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, एन एंटीऑक्सीडेंट, अ रेलुकेटेंट एंड ऑप्शन नंबर डी एन एंटी नॉक कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, टीईएल है जो टेट्रा इथाइल लेड है एन एंटी नॉक कंपाउंड हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की फॉर्म कौन सी नहीं है? सूट, हेमाटाइट, ग्रेफाइट एंड चारकोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए तो ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं होनी चाहिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वाटर इज कॉल्ड। जब केमिकल डिकम्पोजिशन होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पानी के साथ, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हाइड्रोलिसिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग पेंसिल। पेंसिल बनाने के लिए किसका यूज होता है? चारकोल, बोन ब्लैक, ब्लैक एस एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ द फ्रूट। आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी मीथेन। सो ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन विल बी अवर राइट आंसर। एसिटिलीन का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ द स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक। जो स्वीट ड्रॉप ड्रिंक होते हैं हमारे पास, तो उसका जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट होता है जो उसे स्वीट बनाता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन है कार्बोनेटेड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन डी कैफीन। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोवाइडिंग एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ विटामिन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो लिपिड्स होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, न्यूक्लिक एसिड एसिड को और अमीनो एसिड को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में क्या पाया नहीं जाता? क्वेश्चन ए है हमारे पास एडेनिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी थायमिन और ऑप्शन डी यूरासिल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। देखिए कॉलम वन का प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी क्या है? लिपिड हमारे पास है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 78। तो देखते हैं सबसे पहला क्या बोला गया है। देखिए जो प्रोटीन है नाइट्रोजन बेस्ड एंड पेंटेन सुगर, फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल, मोनो सैक्राइड्स एंड अमीनो एसिड जो है हमारे पास है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड है, तो पहले का फोर्थ होगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैक्राइड्स हमारे पास होते हैं, तो पहले का फोर्थ, दूसरे का थर्ड। किस ऑप्शन में है? ए का फोर्थ और बी का थ्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर
राइट आंसर, ठीक है, यानी जो प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं, और लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79, केमिकली सोप कैसा होता है हमारा, एसिड बेस साल्ट और अल्कली, तो राइट आंसर है बेस विल बी राइट आंसर। जो केमिकली सोप होता है वो कैसा होता है, बेस होता है। 80 जो क्वेश्चन है, डिटर्जेंट आर, डिटर्जेंट क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नन ऑफ दिस जो है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, सैक्राइन इज मेड अप ऑफ, सैक्राइन किसके द्वारा बनता है, टोलीन, फिनोल, प्रोपीन एंड ब्यूटोन, इसका जो राइट आंसर है दैट इज टोलीन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड स्टफ, फूड स्टफ के लिए प्रिजर्वेटिव का कौन सा काम करता है, सोडियम बेंजोएट, पिक्रिक एसिड, ग्लिसरीन एंड ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोडियम बेंजोएट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी है सुपर फॉस्फेट, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 83, इसका राइट आंसर है सुपर फॉस्फेट इज नॉट अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। मिल्क सुगर इज, मिल्क सुगर किसे कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं, मेल्टोज को कहते हैं, गैलेक्टोज को कहते हैं और सुक्रोकोज को कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज। मिल्क सुगर क्या है, लैक्टोज है। नेक्स्ट देखिएगा, सुक्रोज इज अबंडेंट इन, सुक्रोज जो है अबंडेंट है किसमें, मिल्क में, ऑर्गेनिक जूस में, बाकी जगह ऑरेंज जूस में, सुगर केन में और ग्रेप्स में, तो जो सबसे ज्यादा सुक्रोज पाया जाता है वो पाया जाता है सुगर केन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज C12H22O11, आपको पता है इट इज अवर सुगर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और जो हमारा C6H12O6 होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स ग्लास, जो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो पायरेक्स ग्लास होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोरेक्स और ऑप्शन डी फेरिक एसिड, तो राइट आंसर क्या आंसर है हमारा, बोरेक्स विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास है, द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन, जब पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम डाला जाता है तो ये क्या बनाता है, इससे क्या होता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड ऑप्शन डी रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सीमेंट, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये प्रिवेंट करता है रैपिड सेटिंग ऑफ द सीमेंट की, एकदम से सीमेंट जो है सेटल नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजिंग रबड़ इज, ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सिलिकॉन एंड ऑप्शन डी फास्फोरस, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है कि हमें पीवीसी मिल जाए, प्रोपीन का, विनाइल क्लोराइड का, स्टाइरिन का एंड एस्टिलीन का। देखिए पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी की पॉलीमराइजेशन से ही पीवीसी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, बैक्टीरियल से याद रखना एंटीबायोटिक, बायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का जो है यूज किया जाता है, कॉमन ट्रीटमेंट है किसके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ह्यूमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड हार्मफुल इफेक्ट केम अंडर मीडिया इंटेंशन व्हेन इश्यू इन केरला वर पब्लिसाइज्ड, ऑप्शन बी ए है इडोसल्फान, ऑप्शन बी लिथल, ऑप्शन सी थमल और ऑप्शन डी है मोनोसिल, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इडोसल्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट जो है क्वेश्चन है ये है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन सी सल्फर, इसका जो राइट आंसर है हमारा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है हमारी, ग्रीन हाउस गैस है। मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल विच कॉज एयर पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय,
एसिड रेन किस वजह से होती है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल इज ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू, ताजमहल किसके द्वारा अफेक्ट हो रहा है? तो इसका डायरेक्ट आंसर बताना चाहूंगा आपको, दैट इज एसिड रेन, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर सर्व एज प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए। तो ऑप्शन ए है, देखिए सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, किसके ऊपर सबसे ज्यादा है? दैट इज अंटार्कटिका के ऊपर जो है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, अभी हमने पढ़ा अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और यूरोप, ठीक है, ये तो अभी आपको पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 99, द फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट इज टू, द फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है? डिसइनफेक्टेंट द सीवेज, रिमूव वाटर कंटेंट, एरिड द सीवेज एंड रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड विल बी राइट आंसर। जो आज की क्लास का, आज की इस मैराथन का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हैवी मेटल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, हैवी मेटल पोल्यूशन ऑफ वाटर जो होता है किसके वजह से होता है? पेंट, वुड बर्निंग, एसिड प्लांट एंड ऑप्शन नंबर डी डोमेस्टिक सीवेज। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डोमेस्टिक सीवेज विल बी अवर राइट आंसर। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज आपको करवाए गए अच्छे से जो है आपको ये समझ आ गए होंगे, आपका रिविजन हो गया होगा, अब आप जो है अपने टेट एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।